दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL एम्प्लॉय से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। तो BSNL के कर्मचारियों के लिए हाल ही की खबरों में आपको बता दें कि BSNL के मानव संसाधन निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में यूनियनों द्वारा किए गए विरोध की चेतावनी पर चर्चा की गई थी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा BSNL EU ने हाल ही में वेतन संशोधन के मुद्दे को लेकर के CMD से मुलाकात की थी। महासचिव ने CMD से अनुरोध किया था कि वार्ता में उत्पन्न गतिरोध को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सके। कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को मनाने का भी निर्णय लिया, जो 3 अक्टूबर 2024 को होगा। इस दिन वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं BSNL ने अपने नए रिचार्ज प्लान की घोषणा की है, जिसमें ₹345 का एक प्रीपेड प्लान शामिल है, जो 60 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉल एवं 1 GB रोजाना देगा। दूसरा प्लान ₹347 का भी है, यानी इससे सिर्फ ₹2 ज़्यादा, जिसमें 54 दिनों की वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी हालांकि 6 दिन कम है पहले की तुलना में, 345 वाले प्लान की तुलना में, लेकिन 2 GB डाटा मिलेगा यहाँ पर, उसमें 1 GB डाटा था। तो इस तरह से BSNL निजी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है और सस्ते सस्ते प्लान भी ला रहा है। तो और इसके अलावा 1 अक्टूबर से ट्राई के कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के सभी यूजर्स को कुछ सुविधाएँ भी मिलेंगी। आपको बता दें कि दरअसल 1 अक्टूबर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण नए नियम लागू करने जा रही है, और इसके अनुसार मोबाइल यूजर्स की सहूलियत के लिए समय समय पर ये ट्राई नियमों में बदलाव करती रहती है। ट्राई की तरफ से ऐसे कई कदम उठाए जाते हैं जिससे टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी कम हो और ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। ट्राई अब 1 अक्टूबर से पूरे भारत में नए नियम लागू करने जा रहा है, जिससे कि कुछ नई सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको बता दें कि बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामलों पर रोक लगाने के लिए ये नियम पहले 1 सितंबर से लागू किए जाने थे, लेकिन ट्राई की तरफ से इसके लागू करने की डेट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था ताकि टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ा समय मिल जाए। आइए बताते हैं 1 अक्टूबर के बाद में आपके मोबाइल में कौन कौन सी नई सेवाएँ मिल जाएंगी। तो 1 अक्टूबर के बाद में आपको अपने मोबाइल में इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा नेटवर्क मौजूद है। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के ग्राहकों को सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ट्राई की तरफ से फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्राई ने स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पैम कॉल्स की अलग से लिस्ट तैयार करने को कहा है। 1 अक्टूबर से कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ सुरक्षित URL बेस्ड और या फिर OTP लिंक ई मैसेज में सेंड किए जाएंगे। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक टेलीकॉम कंपनी को 140 सीरीज से शुरू होने वाले टेली मार्केटिंग कॉल्स को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही BSNL यूनियंस के द्वारा BSNL के 4G को 5G में अपग्रेड करने की बात की जा रही है कि जल्द ही BSNL को 4G से 5G में अपग्रेड करने के लिए अलाउ किया जाए। साथ ही वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन और सेकंड BRS पे रोकथाम, यानी कि सेकंड BRS लागू ना हो, स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड BRS, इनकी मांग की जा रही है। रिटायरमेंट एज, आपको बता दें कि रूमर्स हैव बीन सर्कुलेटेड दैट द रिटायरमेंट एज ऑफ BSNL एम्प्लॉयज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 to 58। तो यानी कि 60 से 58 साल रिटायरमेंट एज करने की बात की जा रही है, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो BSNL ऑर्डर द कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई एंड एक्टिविस्ट फॉर हर सोशल मीडिया पोस्ट दैट वर डीम्ड टू हैव आउटरेज्ड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ डिवोटीज। साथ ही BSNL से जुड़ी सभी खबरें BSNL BRS से लेकर के या फिर BSNL 4G के रोल आउट से लेकर के सभी न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब।